हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीनगर गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी है, और इस राजधानी में गढ़वाल का सबसे बड़ा कॉलेज यानी कि HNB गढ़वाल है। ठीक है, तो उसकी तीन शाखाएं हैं मेनली, एक तो टिहरी में है और एक पौड़ी में है और एक है श्रीनगर गढ़वाल में, जो कि दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, बात करते हैं कि जो श्रीनगर में है वो है बिरला कैंपस, और जो टिहरी में है वो है बादशाहित हॉल, जो पौड़ी में है वो है BGR कैंपस। ठीक, सो अभी बात करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बिरला कैंपस। सो बिरला कैंपस श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर में इसका दूसरा पार्ट भी है, मतलब है तो श्रीनगर का ही, लेकिन जो यहाँ पे चौरास कैंपस है वो भी श्रीनगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, और जैसे ही मैं कॉलेज पहुँचता हूँ वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ बने रहिए एंड तक, और आज हम पूरा बिरला कैंपस एक्सप्लोर करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, क्या क्या यहाँ पे है, कितने हॉस्टल्स है, और मतलब बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं सीधे कॉलेज में। माय डियर फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कॉलेज गेट पर। कॉलेज गेट बिरला कैंपस का ये है, और यहां से हम आगे जाकर एक्सप्लोर करेंगे कि अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ टिल टू एंड। यहां पर गार्ड बैठे रहते हैं और वही इस दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं। सो ये है यहाँ का दरवाज़ा। सो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, यहाँ पे टी पॉइंट पे आ गई है। यहाँ पे जैसे हमने कॉलेज का गेट जैसे हम अंदर आए, तो वैसे यहाँ पे तीन रास्ते हैं। एक्चुअली दो रास्ते तो गाड़ी के हैं, एक रास्ता सीधे मल्टीपर्पज़ हॉल की तरफ जाता है, और एक रास्ता जाता है इंडोर की तरफ और लाइब्रेरी की तरफ। सो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं लाइब्रेरी की तरफ। ठीक है, और एक तीसरा रास्ता भी है जो पैदल है सीढ़ियों वाला, वो कैंटीन की तरफ जाता है ऊपर, वहाँ भी जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ टू एंड। यहाँ पे अधिकारी निवास है, यहाँ पे अधिकारी लोग रहते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है फिलहाल। बहुत शांति है यहाँ पे, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है संडे के दिन ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। किसी और दिन भी आऊँगा मैं, अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे तो, जिस दिन बिल्कुल चकाचक हो कॉलेज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे छात्रावास भी है, यहाँ पर त्रिशूल छात्रावास है, जो कि छात्र के लिए है, बॉयज़ के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे बस भी खड़ी रहती है कॉलेज की। फिलहाल मैं तो अंदर जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन कॉलेज की बस वैसी होती है। और यहाँ पे लिख रखा है बड़े बड़े शब्दों में त्रिशूल छात्रावास, जगजीवन राम छात्रावास। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिशूल छात्रावास मैंने दिखाया आपको, ये बॉयज़ के लिए है। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है, बताऊंगा आपको टिल टू एंड, बने रहिए मेरे साथ। सो अभी यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी दिखाता हूँ मैं आपको। वाह, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है यार यहाँ की, सच में लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते हैं। चलो और यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे दो पहिया और मतलब अपनी कार खड़ी कर सकते हैं, अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, बोले तो लिखा भी है पार्किंग। सो यहाँ पे ऊपर पे भी पार्किंग है यहाँ पे, और ये हमारा केंद्रीय लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी है दोस्तों,
ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे बैठने का एरिया है, यहाँ पे आराम से धूप लगी है, धूप सेक सकते हैं आप बिल्कुल ग्रुप में नीचे बैठ के और बिल्कुल मज़े में। हम तो ऐसे ही क्या करते थे। यहाँ पे लिखा भी है केंद्रीय लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये पार्किंग एरिया मैंने बताया था। एंट्रेंस कुछ ऐसा है, दोनों तरफ छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं, हब्स हैं, और आज तो यहाँ पे बंद है लेकिन फिर भी एक्सप्लोर करते हैं। चलो सो दोस्तों, यहाँ पर बैठने के बेंचेस हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ा फील्ड है, ये बहुत बड़ा फील्ड है, यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से बहुत अच्छे से और बिल्कुल शांति मिलती है यहाँ पे। मुझे भी बहुत मज़ा आता था जब मैं लाइब्रेरी आता था, किताब बाहर तो नहीं ले आ सकते हैं लेकिन जो किताब हम लाइब्रेरी से मतलब अपने लिए लेके आते हैं मतलब घर के लिए पढ़ने के लिए, वो किताब यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बिल्कुल शांत वातावरण, ठीक है। तो और लाइब्रेरी की एक उस तरफ को है, वहाँ पे भी बैठने का है, चलो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे भी सीट्स हैं, बैठ सकते हैं आराम से, और उस साइड भी बैठे हुए हैं। और ये है यहाँ का लाइब्रेरी का मेन जो भी है, यहाँ से बुक ले सकते हैं, और जिस दिन आपका डे है उस दिन आप यहाँ से बुक ले सकते हो। ये दो कॉर्नर्स हैं सो यहाँ से बुक लेते हैं। ये कोई नया बन रखा है, कुछ अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको इस बारे में। मेन चीज़ है एक और दो, यहाँ से आप बुक्स ले सकते हो, ठीक है। जो बुक्स आपने लेनी है वो अंदर जहाँ से आप चूज़ करेंगे ना, अंदर जाके वो अंदर देना है उनके पास, और उसके बाद फिर वापस आना है, और फिर यहाँ पे आना है, एक काउंटर पे आना है, और इसके बाद जब काउंटर पे आएंगे आप तो जो फॉर्म बोल रहा हूँ, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है तो वो देना है आपने अंदर, और वो आपके आइडेंटिटी कार्ड में उसको दर्ज कर लेंगे, तो उसके बाद आपको बुक मिल जाएगी। तो ये थी छोटी मोटी प्रोसेस, आगे भी बताता रहूँगा आपको, एक दिन पूरा लाइब्रेरी पे वीडियो बनाऊँगा मैं आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं। तो चलते हैं ऊपर इंडोर की तरफ, इंडोर काफ़ी बड़ा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जिम भी है, तो जो जिम करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो यहाँ पे जिम भी कर सकते हैं आराम से। तो चलते हैं लाइब्रेरी से बाहर। अभी हम लाइब्रेरी से बाहर आ गए हैं, सो जस्ट मेरे पीछे लाइब्रेरी है, तो अब हम बढ़ते हैं। यहाँ से मैं आया था नीचे से कॉलेज गेट की तरफ से, और अब मुझे जाना है यहाँ ऊपर जहाँ इंडोर और जिम है, ठीक है। और वहाँ पे एक नई चीज़ भी बन रखी है, स्टडी रूम, वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, 20 किलोमीटर पर आर की रफ्तार पे चलनी है, ठीक है, वो लिमिट है। वहाँ पर भी गाइड भी बैठे रहते हैं। तो दोस्तों ये है नया स्टडी रूम बन रखा, हाल ही में बना, आई थिंक ये ओपन नहीं हुआ है अभी, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत देखा था मैंने। अभी तो इस पर थोड़ा मतलब वो जम रखी है, क्या बोलते हैं, आँस जम रखी है, तो अंदर साफ साफ दिख नहीं रहा, थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखो टेबल मेज और मतलब एक टेबल पे चार कुर्सियाँ हैं, सो बहुत सारे रूम हैं, स्टडी रूम, बिल्कुल शांत वातावरण में पढ़ सकते हैं आप ठंड मार के। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा जिम, जिसको बोलते हैं व्यायामशाला, ये उसका गेट है, आज तो बंद है लेकिन फिर भी बाहरी से दिखाता हूँ आज। वो व्यायामशाला है जिम, वहाँ जिम कर सकते हैं आप आराम से, शाम को या सुबह जब भी आप आना चाहो। मोस्टली शाम को ही जाते हैं बंदे लोग, सुबह भी अगर जाना चाहो तो जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ अंदर सब इक्विपमेंट मिलेंगे आपको, बस आपने आईडी कार्ड ले जाना है और काम तमाम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडोर है,
ये काफी बड़ा इंडोर है, बहुत बड़ा। ये इतना बड़ा इंडोर है कि मैं भी गया था इसके अंदर। इसके अंदर बैडमिंटन खेल सकते हो आप, ठीक है। और मतलब यार काफ़ी बड़ा है, मतलब मैंने तो आज तक बैडमिंटन ही खेला इसके अंदर, लेकिन और चीज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्रीड़ा कक्ष भी है, वो रहा क्रीड़ा कक्ष। गार्ड्स भी बैठे रहते यहाँ पे। और ये है यहाँ का गेट, जो कि यहाँ से बाहर भी जाएंगे तो यहाँ पे डांग है एक जगह, डांग जस्ट इसके पीछे आम्रकुंज है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाने वाले। हम यहाँ पे एक छात्रावास को देखने आए हैं। छात्रावास है चौखंबा छात्रावास। ये चौखंबा छात्रावास एक्चुअली बॉयज़ के लिए है। तो जो ये वाली रोड है, ठीक है, बाएं तरफ की रोड, तो यहाँ पे इस रोड पे बताऊँ क्या क्या है। HBPCR मतलब जो हैप्रिक है वो है, ग्लास हाउस भी इसी रोड पे है, अतिथि गृह हाउस भी वहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे लिपिक आवास है, मिनिस्ट्रियल रेजिडेंस, ओके, अभियंता एवं अनुरक्षण आवास भी इसी तरफ है, प्रोफेसर आवास भी इस तरफ को है, और रीडर्स आवास भी इस तरफ को, ड्राइवर आवास भी इस तरफ को है। सो आप देख सकते हैं सब इस तरफ को है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाने वाले। यहाँ पे चौखंबा मैंने बताया आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है चौखंबा छात्रावास। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ छात्रावास हैं, यहाँ पे गर्ल्स छात्रावास भी हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ तक कॉलेज का परिसर था, उधर भी है शिक्षक आवास है उस तरफ को, लेकिन वो किसी और दिन, जब हम डांग जाएंगे उस दिन बताऊँगा मैं आपको। तो बने रहिए मेरे साथ, और वापस चलते हैं उसी टी पॉइंट पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। टी पॉइंट पे जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ आपको, जब आम का मौसम होता है, जब आम होते हैं तो ये आम के पेड़ भी है यहाँ पे कॉलेज में, और काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं मेरे पीछे भी उस तरफ को, जूलॉजी डिपार्टमेंट में, बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो लगभग कम से कम 100 से ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पे पूरे कैंपस में, बिरला कैंपस में आम के। तो आम का पूरा मज़ा ले सकते हैं आप, मैंने भी बहुत मज़े लिए हैं, बहुत अच्छे मीठे मीठे आम होते हैं। तो चलते हैं फिर अभी टी पॉइंट की ओर। वापस से टी पॉइंट पे आ गए हैं, अभी हमने वहाँ एक्सप्लोर किया उस तरफ को, जहाँ जिम था, जहाँ पे हमारा क्या था इंडोर था, और जिस तरह हमारा क्या था लाइब्रेरी था। सो अब हम जा रहे हैं मल्टीपर्पज़ हॉल की तरफ, जहाँ से मतलब जहाँ मेन क्लासेस चलती हैं सब बच्चों की, ठीक है, सब स्टूडेंट्स की।
तो उस तरफ का भी नज़ारा बहुत अच्छा है। आई थिंक मेन चीज़ वही है उस साइड। ठीक है तो चलते हैं फिर। और बहुत हरा भरा है हमारा कॉलेज, बहुत ज़बरदस्त कॉलेज। मैं खुश हूँ कि मैं इस कॉलेज में आया पढ़ने के लिए, और बहुत मज़ेदार कॉलेज है। यहाँ पे पार्किंग है दोस्तों, यहाँ पे टू व्हीलर खड़ी कर सकते हैं और यहाँ पे फोर व्हीलर खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग, यहाँ बहुत सी क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर नोटिस बोर्ड, जैसे कि मैंने पूरा बताया था आपको, यहाँ पे टू व्हीलर खड़ी कर सकते हैं। तो टू व्हीलर खड़ी कर सकते हैं, तो ये पूरा एरिया जो भी है ये है टू व्हीलर के लिए, और वो एरिया है फोर व्हीलर के लिए। सो यहाँ अंदर क्या क्या है, अगर अंदर जाएंगे इस गेट से, तो यहाँ पे है डीन संकाय भवन, मतलब डीन है वहाँ पे, और छात्र संघ भवन भी है यहीं अंदर, सोशल एवं बिहेवियरल साइंस भवन है, कला संकाय भवन है, और शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का, ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको। और अगर हम ऊपर जाने वाले हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, व्याख्यान कक्ष होगा, उद्देश्य बहुउद्देश्य कक्ष होगा, ठीक है, मल्टीपर्पज़ हॉल, तो वो भी आज तो बंद होगा, फिर भी बाहर से दिखाऊंगा। चित्रकला एवं संगीत विभाग, वो सब अंदर हैं इस मल्टीपर्पज़ हॉल के। तो फिलहाल थोड़ा चलते हैं अंदर की ओर। सो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम अंदर आ चुके हैं। तो ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे नोटिस लगे रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर अंदर आते हैं, तो यहाँ पर बैठने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम, बैठ सकते हैं। अरे ये क्या हुआ, किसी ने ये तोड़ डाला या भाई, इसमें आराम से ऐसे कर बैठ सकते हैं क्या? अच्छा, जो भी है, जैसे भी है। सो यहाँ पे एक ग्रेविला रोबस्टा है, जो भी जब भी मैं कॉलेज में आता था तो ये इस पेड़ के बारे में ज़रूर पढ़ता था। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हर पेड़ पे उसका नाम लिखा रहता है, जो मेन पेड़ होते हैं। यहाँ पे ये डीन ऑफिस है, डीन फैकल्टी में बताता हूँ आपको, सबसे दाईं तरफ मतलब फर्स्ट में ऑफिस, डीन ऑफिस है, वो भी साइंस के लिए, जो भी फर्स्ट और सेकंड ईयर के, ठीक है। और ये डीन ऑफिस है साइंसेस के लिए, ये थर्ड ईयर वालों के लिए, मतलब जो भी फॉर्म वॉर्म भरेंगे, ठीक है। ज़्यादा जानकारी आपको धीरे धीरे बता दूँगा। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, रैगिंग तो बिल्कुल यहाँ पर बंद है, जो रैगिंग करेगा उसके लिए कड़ी प्राविधान है भाई। ऑफिस डीन ऑफिस अर्थ साइंसेज, ये अर्थ साइंस का, और यहाँ पर डीन ऑफिस उनके लिए है जो आर्ट साइंस, मतलब आर्ट साइड से है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा डीन ऑफिस। सो फ्रेंड्स, ये डीन ऑफिस, जैसे हम डीन ऑफिस क्रॉस करते हैं, वहाँ से हम जब सीधे आगे को बढ़ेंगे, तो वहाँ पे है पानी, वाटर। अगर आपको प्यास लग गई है तो आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आया था, वो गेट दिख रहा है आपको सामने, हाँ। तो सीधे अगर आगे आएंगे तो यहाँ पे पानी पीने का है, पेयजल, तो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। आप भी देखिएगा, फिर जब आओगे तो तब पी लेना। तो बिल्कुल ठंडियों, गर्मियों में बहुत ठंडा पानी आता है, और ठंडियों में लगभग नॉर्मल पानी आता है। अभी नॉर्मल पानी ही आ रहा है, तो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे पानी पी लिया है, और अब हम बढ़ते हैं सीधे आगे की ओर, फिर वहाँ से पीछे की ओर आएंगे, फिर पूरा कॉलेज बताऊँगा आपको। यहाँ पे पानी पिया, और पानी पीने के तुरंत बाद अब हम आगे जाने वाले हैं, वहाँ पे
बहुत बड़ा फील्ड है, उसे बीए फील्ड भी बोलते हैं। सो चलते हैं फिर उस तरफ को। बीए फील्ड, यार बीए फील्ड से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जो भी एनुअल फंक्शन होते हैं ना, वो बीए फील्ड में ही होते हैं अक्सर। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी उसी फील्ड में है, मतलब काफ़ी चीज़ें उस फील्ड से जुड़ी हुई हैं यार। तो जाते हैं, यहाँ पे मेरे पीछे गर्ल्स कॉमन रूम है, यहाँ पीछे गर्ल्स कॉमन रूम। अगर आपकी क्लास नहीं है गर्ल्स की, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। बस आपका आईडी कार्ड आपको मांगेंगे वो, और वहाँ पर बिल्कुल आप सुरक्षित हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा टन मार के, है ना। तो ये था, अब हम बीए फील्ड की तरफ बढ़ चुके हैं। और बीए फील्ड दोस्तों मेरे आंखों के सामने, यहाँ पे गिलहरियाँ भी बहुत हैं। इस गिलहरी ने मुझे डरा लिया था। सो जैसे ही मैं बीए फील्ड में आया, सो बीए फील्ड ये है, मैं बीच में पहुँच चुका हूँ बीए फील्ड के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 360 व्यू। चारों तरफ आपकी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। तो दिखाता हूँ आपको, शुरुआत करते हैं जो मेरे सामने है, ठीक है। बीएड डिपार्टमेंट है वहाँ पे, बहुत बड़ी बिल्डिंग फ्रेंड्स। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे बीएड डिपार्टमेंट हैं, और बहुत सी क्लासेस चलती हैं आर्ट वालों की, ठीक है। तो ये ऐसी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसके कॉर्नर में वहाँ पर आप जाके पानी भी पी सकते हैं, वहाँ पे पानी पीने का भी है। और यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स होते रहते हैं, ठीक, जो भी पेपर होते हैं लगभग वहीं होते हैं। तो उसके जस्ट बगल में यहाँ पर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग, सो इस बिल्डिंग का नाम है मानविकी एवं समाज बिल्डिंग। यहाँ पे बहुत सारे संकाय हैं, संकाय बोले तो क्या बोल सकते हैं। ये देखिए, ये आराम से टन मार के लेटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है। यहाँ पे राजनीति विज्ञान भी अंदर है। यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि सोशल साइंस यहीं अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी यहीं अंदर है, और यहाँ पे पॉलिटिकल का भी यहीं अंदर है, और डिफेंस का भी यहीं अंदर है। तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स इस बिल्डिंग में है, जो बीए फील्ड की काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। माना कि मतलब बोल सकते हो सबसे बड़ी बिल्डिंग यही है, ह्यूमैनिटीज़ वाली बिल्डिंग, ठीक है, ह्यूमन साइंस वाली। सो मैं अंदर तो नहीं जाने वाला हूँ, वहाँ पर शायद कोई प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मैं फिर कुछ और बताता हूँ आपको। अभी काफ़ी चीज़ें बतानी बाकी रह गई है, बने रहिए मेरे साथ। और मजा आ रहा है ना आपको। यो, और अब दोस्तों मेरे सामने है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। तो केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं जरा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को। ये था हमारा ह्यूमैनिटीज, जो हम घूम गए ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट, मतलब जो बिल्डिंग थी उसके जस्ट बगल पे यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। और ये हमारा पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। यहाँ पे लिखा भी है कि ये केमिस्ट्री है, ठीक है, रसायन विज्ञान। तो यहाँ अंदर लैब है, लैब 1 और 2, ज़्यादा अंदर जाना भी ठीक नहीं है। ये लैब 2 है, ठीक है। और उसी के जस्ट बगल पे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल रूम है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये लैब है, और काफ़ी बड़ी लैब है। सो 2-4 रूम है यहाँ पे, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो काफ़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत से इक्विपमेंट होते हैं, और मतलब यार मज़ेदार है बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है अभी, जितने तक आप देख रहे हो। तो ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ से लेकर मतलब यहाँ तक, ठीक है। और अब इसी के जस्ट बगल पे है फिजिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट इसी के जस्ट बगल पे, फिजिक्स
फिजिक्स डिपार्टमेंट पीछे वाले जो रूम्स हैं इसके, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में है। ये भी पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट में आता है यहाँ पे। और तकरीबन बहुत सारे यहाँ पे रूम्स हैं पूरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ये लैब्स हैं दोस्तों, जो मैं दिखा रहा था ना, ये लैब 3 है, यहाँ पे लैब 3 लिख रखा है। तो लैब 2 और लैब 1 भी इन्हीं बिल्डिंगों में है कहीं अंदर, ठीक है। सो अब जस्ट उसके बगल पे यहाँ पर है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है ये, ठीक है दोस्तों। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये भी, ऐसी बात नहीं है, बहुत 2-4 हॉल हैं यहाँ पे अंदर। और यहाँ पे नोटिस बोर्ड, जो भी हमको जो भी आवश्यक सूचना होती है ना, तो वो यहाँ पे लिखी रहती है, जैसे कि अभी भी लिख रखी है कुछ 5th और 6th के लिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस लगा हुआ है। सो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर से। यहाँ से हम फिजिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ से मल्टीपर्पज हॉल घूमेंगे। ये था पूरा का पूरा बीए डिपार्टमेंट, और बीए डिपार्टमेंट में कौन कौन से संकाय हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, और बहुत सारे विज्ञान संकाय के अंदर है ना। तो ये रास्ता है छोटा सा, यहाँ से हम सीधे वहाँ जाएंगे फिजिकल डिपार्टमेंट की तरफ। सो जैसे ही हमने ये सीढ़ियाँ क्रॉस की, यहाँ पर फिजिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग हमारे बाईं साइड को, और ये यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है फिजिकल डिपार्टमेंट। और यहाँ पर काफ़ी 3 मंजिल की ये बिल्डिंग है, और मेरा एक फ्रेंड था वो भी फिजिकल डिपार्टमेंट में था, तो बहुत गजब की सीन होती है यहाँ पे। सीन बोले तो मतलब यहाँ पे भी हॉल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए तो जुनून है मेरे अंदर भी। ये नोटिस बोर्ड, और मतलब काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, ये ग्राउंड फ्लोर है इसका, ऑफिस भी इसी तरफ है आगे, और ज़्यादा अंदर भी क्या है। देखा हम फिजिकल डिपार्टमेंट को घूम के अभी आए, तो फिजिकल डिपार्टमेंट किसके लिए होता है मैं बताता हूँ आपको। फिजिकल डिपार्टमेंट जो BPED करते हैं या MPED करते हैं, ठीक है, मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है। और देखा होगा आपने, कई कोच बनते हैं, कई खिलाड़ी बनते हैं, तो वो सब यहाँ से भी बन सकते हैं बोले तो। ये उसके लिए एक ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, तो आगे पता नहीं मुझे, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ इसे, देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे ही हमने फिजिकल डिपार्टमेंट वाला भवन छोड़ा, यहाँ पे बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज हॉल, ये बहुउद्देशीय है। यहाँ पे ACL हॉल है, ये ACL हॉल्स के गेट हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा हॉल है, जो भी काउंसलिंग होती है वो इसी के अंदर होती है, मल्टीपर्पज हॉल के अंदर। और यहाँ पे और भी बहुत सारी मतलब 4-5 वो है, क्या बोलते हैं, मंजिल, ठीक है। सो ये था दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे BA फील्ड है, मैं वहाँ से आपको घुमा के लिए आया, और सामने डीन है, डीन। और अब हम कॉलेज की दूसरी तरफ को जाएंगे, ठीक है, जहाँ कैंटीन है। कुछ सांप नहीं दिख रहा था, ये राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई है यहाँ पे, उसकी बिल्डिंग NSS की बिल्डिंग है। मुझे बहुत पसंद है नेशनल सर्विस स्कीम, मैं रहा हूँ, मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी है NSS का, बहुत मज़ा आता है दोस्तों। आप भी लेना जब आप आओगे, तो जब कैंप होता है तब भी बहुत मज़ा आता है, और क्या बताएं, तब बहुत मज़े हैं यार, बहुत मज़े करो यार। क्योंकि मज़ा ही सब कुछ है। एक चीज़ छूट गया यार, जंतु डिपार्टमेंट।
बोले तो जूलॉजी। जैसे ही हम एनएसएस इकाई से थोड़ा आगे आते हैं 5-6 कदम, तो यहाँ पे जूलॉजी डिपार्टमेंट है और जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये ऑफिस है उसका, और यहाँ अंदर भी एक दूसरा ऑफिस है। तो यहाँ अंदर लैब है, शायद खिड़की से थोड़ा थोड़ा दिख जाए। वहाँ अंदर लैब है और वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। वैसे तो सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हाँ, कोई टीचर ठीक, मतलब हर टीचर ठीक है मतलब। तो यहाँ यहाँ अंदर मतलब इतने सारे कीड़े मकोड़े, बोले तो एक से एक, मतलब अलग अलग प्रजाति के, स्पीशीज के, है ना, वो रखे हुए हैं, बॉगी रखे हुए हैं, केकड़ा रखा हुआ है, मछली रखी है, स्कोलियोडॉन रखा है, मतलब अलग अलग चीज़ें रखी है। कभी आएंगे तो ज़रूर यहाँ एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ थोड़ा अंदर भी जाएंगे आप किसी समय, या बच्चों के साथ थोड़ा अंदर चले जाएंगे तो गुरुजी लोग कुछ नहीं बोलते, यहीं पे बरामदे में अंदर मत जाना जो मेन है, लेकिन यहीं पे जैसे इस गेट के अंदर जाते हो तो वहाँ पे रखे हैं स्पेसिमेन बहुत सारे, तो वहाँ पे देख सकते हैं। मैं भी आधा आधा घंटे, एक एक घंटे बैठे रहता हूँ वहाँ पर, ठीक है, बैठे रहता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से बाहर की तरफ आया तो यहाँ पर मेरे सामने डीन आ गया, ये डीन। तो यहाँ जितना भी चीज़ था मैंने आपको दिखाया, और अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ कैंटीन है और जहाँ, मतलब बोले तो गर्ल्स हॉस्टल भी है वहाँ पे एक, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। गर्ल्स हॉस्टल का नाम है अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, और कैंटीन भाई बहुत मज़ेदार कैंटीन है भाई यहाँ की। जब हम आए थे तो वहाँ से आया था मैं, और अब वापस जाने के लिए ये वाला रास्ता। तो ये घुमावदार मोड़ है दोस्तों, सो ये देख सकते हैं आप, दो रास्ते हैं, एक यहाँ से घूम के गप अंदर, वहाँ से भी गप अंदर जा सकते हैं। सो इस बिल्डिंग में और क्या है, मतलब जो हम घूम के आ गए, अभी हम घूम के आए, रसायन विज्ञान विभाग घूम के आ गए, भौतिकी विज्ञान विभाग घूम के आ गई, और भूगोल एवं भूगर्भ विज्ञान घूम के आ गए। गणित भी हम अभी देखेंगे जब हम यहाँ पे जा रहे हैं ना अब आगे, तो यहाँ पे गणित डिपार्टमेंट है, इतिहास एवं पुरातन विभाग है, वनस्पति विज्ञान एवं माइक्रोबायोलॉजी है, और यहाँ पे जंतु विज्ञान एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग हम देख के आ चुके हैं, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं गणित डिपार्टमेंट और हमारे जूलॉजी, जूलॉजी तो हम घूम के आगे, बॉटनी डिपार्टमेंट घूम के आएंगे हम। सो जस्ट यहाँ से दाईं तरफ को जाएंगे तो ये एक बड़ा सा हॉल, यहाँ पे भी आम के पेड़ हैं दोस्तों, ये भी आम ही का पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बार चढ़ा था मैं पेड़ पे, मेरा भाई भी चढ़ा था, तो हमने काफ़ी मज़े किए थे। तो ये गणित डिपार्टमेंट है दोस्तों यहीं पे, ठीक है, गणित डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जैसे कि देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ये उसका ऑफिस, और जस्ट उसके बगल पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी है यहाँ पे, और वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, ऑफिस है वो, ठीक है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट फैकल्टीज के नाम लिखे हैं। ये है यहाँ का नोटिस बोर्ड, आप गौर करोगे कि हर विभाग का एक नोटिस बोर्ड है। हे फ्रेंड्स, ये देखो मोरसलवा, मोरसलवा पता है आपको किसको बोलते हैं, सहतूत, ये सहतूत का पेड़ है। अभी जनवरी का मौसम है तो ये बिल्कुल पतझड़ हो गए हैं, इस पर ऑटम आ गया इस पर। तो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान जो कि मेरा फेवरेट रहा, ये लेबोरेटरी है यहाँ पे, और ये माइक्रो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमको ज़रूरी है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे वाटर बाथ हो गया, और मतलब सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गई, है ना, तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, क्या बताऊँ आपको, जब आप आओगे तभी देख लेना भाई। तो यहाँ पे है बीएससी बॉटनी की लेबोरेटरी, यहाँ अंदर बहुत सारे पेपर दिए हैं मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, ये भी लेबोरेटरी है, और यहाँ पे इसका
है नोटिस बोर्ड, ठीक है। नोटिस बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे मेरा नंबर भी है भाई। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, चलो कोई नहीं, जस्ट चिल इट, चिल आउट। और जो यहाँ की लेबोरेटरी है वो इस प्रकार की दिखती है अंदर, लाइफ साइकिल ऑफ वॉल बॉक्स। तो ये भी कुछ स्पेसिमेंट्स हैं, ये यहाँ पे गेहूँ है, गेहूँ दिख नहीं रहा अच्छे से, कोई बात नहीं। तो काफ़ी अच्छा है, अब मैं वहाँ पे नहीं जा सकता भाई। ये ठीक नहीं है, रूल के खिलाफ है। सो ये भी एक आम का पेड़ है, और इसके पीछे वहाँ जाने वाले हैं हम, वहाँ अब कैसे जाएंगे, तो यहाँ से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम आए वहाँ से थे उस तरफ से। तो शॉर्टकट रास्ता चूज़ करें हम, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ दिखाना है आपको, वो ACL बिल्डिंग की मेन हॉल है बोले तो, ठीक है, मेन हॉल वहीं से एंटर करते हैं। यहाँ पे यार किस्म किस्म के पेड़ हैं, दिखाई दे रहे हैं बोले तो, ये देखो एक पेड़, ये देखो नीचे से कितना मोटा है, और ऊपर जाते जाते मेरे को पतला हो गया। तो ऐसे ही बहुत से पेड़ हैं, अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं। मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव है, ये देख सकते हैं आप। आई होप मैं दिख रहा हूँगा आपको, नहीं दिख रहा, कोई नहीं। तो ये यहाँ पे एक हॉल है, यहाँ से पूरी बिल्डिंग में रास्ता जाता है, ठीक है। और भाई कैमरे भी लगे हुए हैं भैया, ठीक है ना, तो भाई निकलते हैं। तो जैसे हम बाहर आए, तो यहाँ से तो हम आ चुके हैं घूम के, तो अब हम जाएंगे ऊपर की ओर। ये जो है यहाँ पर पूरा बिल्डिंग का मैप है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर का मैप है, ये सब फर्स्ट फ्लोर का, ये सेकंड फ्लोर का, ये थर्ड, ये फोर्थ फ्लोर का, मतलब जो चीज़ें जहाँ पे हैं वो वहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे बताया गया है। वाओ, ये देख सकते हैं आप, ये कितना अच्छा फूल है। सो वो बॉटनी डिपार्टमेंट था, चलते हैं वहाँ से। हाँ तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अलकनंदा छात्रावास है, तो वो आगे है वहाँ पे, वहाँ जाएंगे अभी। ये है कार्यालय अधिष्ठाता कल्याण, डीन ऑफिस वेलफेयर, तो वो इधर से जाते हैं, कैंटीन भी यहीं से जाते हैं। तो चलते हैं अलकनंदा छात्रावास, अंदर तो नहीं जाएंगे, पर हाँ थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि हाँ यहाँ पर है भाई। यहाँ पे कुल सचिव आवास है डॉक्टर एकेजा, और ये अलकनंदा छात्रावास है। और ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये शॉर्टकट रास्ता है, अगर आप सीधे वहाँ नीचे जहाँ पर पार्किंग थी वहाँ से सीधे ऊपर आते हो और यहाँ से जाओगे आप, तो आप सीधे BA फील्ड में जा सकते हो, ये शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है। शॉर्टकट रास्ते के बारे में पता चला तो तब मैं यहीं से आता था और जाता था, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता भी है और अच्छा होता था, यहाँ भीड़ भी नहीं होती थी ज़्यादा, एक हाथ में बिल्कुल आराम से। और वहाँ से भीड़ होती थी डीन से, बिल्कुल बहुत सारे बंदे बंदियाँ बैठी रहती थी, और ठीक नहीं लगता था, कच्च बच्च बोले तो कच्च और बच्च। तो मैं जो छात्र अधिष्ठाता वाला बोल्ट खाया था, मैं उसी तरफ आ गया हूँ, वो पीछे छूट गया, और अब हम उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहाँ पे NSS डिपार्टमेंट है, और सीनेट हॉल भी है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं सीनेट हॉल में, ठीक है। और NCC भी यहीं पर है इसी डिपार्टमेंट में, ये देख सकते हो आप, ये NCC का यहाँ पे बोर्ड है।
और यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना का बोर्ड है। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो ठीक है, सुलटे मैं दिखाता हूँ। राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का नाम 7x4 प्लाटून UK स्वतंत्र कंपनी NCC बिड़ला परिसर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल। और यहाँ पर है राष्ट्रीय सेवा योजना हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय परिसर, ठीक है। तो ये है उद्देश्य लिखे हुए हैं, सामाजिक सेवा और विकास जो भी है। तो हम जैसे इसके आगे बढ़ते हैं तो ये वाली बिल्डिंग हमें यहाँ पे दिखती है। ये छात्र क्रियाकलाप केंद्र है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। मैंने बताया था ना, सीनेट हॉल है इसी में, और इसके अंदर है जो NSS डिपार्टमेंट है और जो हमारा क्या है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। NCC भी है और NSS, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है ग्राउंड फ्लोर से, लोअर ग्राउंड लेवल से। इसकी मुझे खास बात ये लगी कि यार यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी मौजूद हैं, ठीक है। जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट दवाई भी ले सकते हो, अपना ID कार्ड ले जाना आपने, और वहाँ पे डॉक्टर बैठे रहते हैं वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं वैसे ही अंदर जाना, और भाई उनको बताना ये प्रॉब्लम है और वो दवाई ये देंगे अगर यहाँ मौजूद होगी, अगर नहीं तो लिख के देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो गया कभी नहीं, ठीक। तो एक्चुअली यहाँ पे बंद हो रखा है, लेकिन ये जो रास्ता है यहाँ से जा सकते हैं। इसके पीछे कुछ है, वहाँ भी जाते हैं। दोस्तों इसके जस्ट बगल में लाइब्रेरी है यहाँ पे, जहाँ हम घूम चुके हैं, और यहाँ पे काम चल रहा है भाई। तो ये जो सिनेरियो है जहाँ पे मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे तब आते हैं जब शुरुआत में फॉर्म भरते हैं, ठीक है। ये अलग अलग चेम्बर्स हैं यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। फॉर्म यहीं पे जमा होते हैं और यहीं से आपको ID कार्ड मिलेगा। तो ये है बात, और फिर यहाँ से आप प्रॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो साइन और मोहर मारेगा और बस आप स्टूडेंट बन गए भाई। तो मज़ा आया बहुत आपको इधर घुमाने का। तो यार आई थिंक बिरला कैंपस कंप्लीट हो चुका है, बस आपको मैंने वो नहीं दिखाया, क्या कैंटीन नहीं दिखाया। तो कैंटीन की तरफ भी बढ़ते हैं, ठीक है। अभी कैंटीन हम अगले रास्ते से जाएंगे, जो टी पॉइंट था हमारा, ठीक है, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए। ओ यार मेरे पीछे वहाँ पे लाइब्रेरी है और वहाँ पे जिम है पीछे, वो यहाँ पे त्रिशूल छात्रावास, ठीक है। तो ये बात है, अब फिर से मैं टी पॉइंट जा रहा हूँ, लास्ट हमारा कैंटीन बच रखा है, तो कैंटीन एक्सप्लोर करेंगे। और फिर राम प्रकाश जी यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, हमारे कॉलेज के, हाँ, पूर्व महासचिव, और यहाँ पे आप, और यहाँ पे संजीव राणा जी, मतलब पूर्व छात्र संगठन अध्यक्ष जी, विवेक रावत जी पूर्व छात्र संगठन, हाँ विवेक रावत जी। तो ये हम हमारे कॉलेज के मतलब नगर पालिका सभासद हैं पूर्व नगर पालिका। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई आप सबसे, ठीक है ना, धन्यवाद। तो जी जो मिले थे मुझे, ये काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं यहाँ पे कॉलेज में, और हमारे जो अध्यक्ष थे वहाँ पे वो भी थे, राम प्रकाश जी भी थे वहाँ पे। तो खैर ये रही राजनीति की बात, अभी हम चलते हैं कैंटीन की तरफ। कैंटीन से पहले यहाँ पे हमारे जो BSc क्लासेस चलती थी यहाँ पे चलती थी, पीछे ये टीन सेट है यहाँ पे, ठीक है। TSL से इसका नाम आता था, ये टीन सेट है जैसे कि मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे हमारी BSc की सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की और थर्ड ईयर की क्लासेस चलती रहती है।
और ये यहाँ पे गिलहरी, गिलहरियों की कमी नहीं है हमारे कॉलेज में। और जैसे ही हम टर्न हुए वैसे ही यहाँ पे कैंटीन, ये कैंटीन है हमारा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है ये है कैंटीन, ठीक है। और वहाँ तो मैंने आपको घुमा लिया आगे, वो छात्र क्रियाकलाप केंद्र है। तो यहाँ पर काफ़ी सीटें हैं बैठने के लिए, आराम से ठंडियों के टाइम पे धूप सेक सकते हैं यहाँ पे कैंटीन के बाहर बैठकर। सबसे मेन स्पॉट तो यहाँ है, ये कैंटीन है। यहाँ अंदर आँच बंद हो रखा, किसी और दिन जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आप जो ये पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे शीशे हैं। तो मतलब यहाँ पे फ़ोटो बहुत अच्छी, यहाँ पर फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। तो आप यहाँ पे इस स्पॉट पे आके फ़ोटो खींचा सकते हो। आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब भी आ सकते हो, नहीं है तब भी आ सकते हो, ठीक है। कॉलेज सबका है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं वहाँ तो सिर्फ स्टूडेंट ही जा पाएंगे, क्योंकि जैसे लाइब्रेरी जाना आपने अंदर, वहाँ तो सिर्फ आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा फिर आप अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बातें हैं। सो मेरे पीछे यहाँ पे त्रिशूल छात्रावास, वहाँ ऊपर जहाँ हम गए थे, ठीक है, जहाँ जिम है जो भी है। तो फिर अभी हम वापस चलते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया यार आज कॉलेज घूम के। आज संडे था तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना कॉलेज एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि अपना ही कॉलेज है यार। अपने कॉलेज के बारे में आप, हम आपको बताएंगे, तो जब आप आएंगे यहाँ पे तो कितना अच्छा लगेगा आपको। आपको पहले से पता होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ पे हैं, तो कॉन्फिडेंस रहता है ना आदमी को। और अगर जो नए स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आना चाहते हैं तो वो भी देख रहे होंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को ये मौका मिला है और मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कॉलेज। अभी तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, अभी सिर्फ हम कॉलेज में घूमे हैं। अभी तो बहुत सी सारी चीज़ें बची हैं आसपास कॉलेज के, घूमने लायक जगहों बहुत सारी हैं। जैसे कि यहाँ से गंगा दर्शन, वहाँ से इतना अच्छा व्यू दिखता है ना पूरे श्रीनगर का कि क्या बताऊँ। और अभी घाट एरिया बचा हुआ है, वहाँ पर भी शाम को बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं, आपको मैं ले जाऊँगा। और बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मुझे और फॉलो कीजिए। तो चलें फिर। सो अभी हमने पूरा कॉलेज घूमा और आई होप आपको भी पसंद आया होगा पूरा कॉलेज। सो आशा है कि आपको मज़ा आया होगा। और अब ये जो कॉलेज का टी पॉइंट था वहाँ से मैं नीचे आ चुका हूँ, और अब यहाँ पे सामने मेरे सामने गेट है। तो आशा है कि आप मुझे फॉलो करेंगे, फॉलो बोले तो सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, ताकि हमारे कॉलेज के बारे में ज़्यादा लोगों को भी पता लग सके। जस्ट ये कॉलेज है, वो पीछे कॉलेज का गेट, और जस्ट कॉलेज के सामने एक फ्रेंड्स बुक डिपोट है। यहाँ से आप बुक खरीद सकते हो, जो भी है किताबें, मैगजीन्स और अखबार जो भी खरीदना आपको। फोटो प्रिंट आउट सब कॉलेज के बगल में आसपास रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। यहाँ बगल पे पिज्ज़ा सेंटर भी है भाई, किसी दिन चलेंगे डोमिनिक पिज्ज़ा में। और बहुत मज़े हैं यहाँ श्रीनगर में, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ पसंद आया होगा आपको। तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी पूछना है श्रीनगर के बारे में, ठीक है ना, सब कुछ मैं बताऊँगा आपको, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। लास्टली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टूडेंट यहाँ पे कैश काउंटर है, बहुत बड़ा सा स्टूडेंट कैश काउंटर है। तो यहाँ पे जब आपको डिग्री निकालनी होती है या फिर आप कुछ यहाँ से मतलब निकालना चाहते हो या फीस जमा करना चाहते हो, ठीक है, तो तब यहाँ पे आपको कैश काउंटर में जाके आपको फीस कटवानी होती है, ठीक है, और उसके बाद काम तमाम हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा भी लगा होगा, वाह कितना अच्छा नज़ारा है मेरे पीछे, आसमान भी आज बहुत अच्छा हो रखा है।